हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स लेडी चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केटीआर लिमिटेड इशूड 365.9% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच ऑन 4/3/2016। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। When debenture were issued at par, redeemable at premium 10%, first case. Second case क्या है? When debentures were issued at 6% discount और redeem हो रहा है premium 5% पे। So सबसे पहला केस, 24th question, bank account entry हमारी क्या हो जाएगी? Bank account to 9% debenture एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, सिंपल। कितने हैं हमारे इशू कर रही है? 365। एक डिबेंचर कितने का है? 1000 का। तो 365,000 अमाउंट आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लॉस, क्योंकि रिडीम हम कर रहे हैं तो लॉस आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब अमाउंट देखो। 9% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ये 365,000 अमाउंट आ जाएगी हमारी। 9% डिबेंचर में हमारी सेम, क्योंकि हम पार पे कर रहे हैं और रिडीम हमारा प्रीमियम पे हो रहा है। तो 365 इंटू 5% कितना है भाई? प्रीमियम हमारा 10%, राइट। तो 1000 का हम 10% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100। सो 365 इंटू 100, 36,500 आ जाएगा। यही अमाउंट सीधा हमारी कहाँ चली जाएगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, सिंपल। अब सेकंड केस देखते हैं। डिबेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम हो रहा है हमारा प्रीमियम पे। तो सबसे पहले सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट देखो, 365 डिबेंचर है, लेकिन हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई? यहाँ पे 1000 के हमारे डिबेंचर्स थे, इस पे हमारा कितना डिस्काउंट है? 6%। 6% 1000 का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 60,000 माइनस 60 आप कर दीजिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 940। अब 940 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 365, तो ये हमारा कितना आ गया? 343,100। 343,100 हमारी अमाउंट आ गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अमाउंट देखो बच्चे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस पे हमारी कितनी अमाउंट चली जाएगी? सेम 343,100। 9% डिबेंचर पे डिबेंचर कितने थे? 365 के, और एक डिबेंचर कितने का है? 1000 का। तो ये कितनी आ गई? 365,000। ठीक है, अब प्रीमियम पे कितना चला जाएगा भाई? 365 इंटू प्रीमियम कितने का है? 5% का। सो 1000 का 5% हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 18,250। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे देखो,
365 को आप सीधा किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक तो हमारा डिस्काउंट 60 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,150। या फिर सिंपल इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये लेस कर दो तो ये भी अमाउंट आ जाएगी, या सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो जितने डिबेंचर्स हैं डिस्काउंट और रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम की कितना परसेंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 से, तो भी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वे से आप कर सकते हो जो भी आपको ईजी लग रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है बच्चे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।